एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किया ही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है। एवापोरेटिंग डिश एक्सपेरिमेंट करने के टाइम हम इस तरीके से करेंगे। तो एक एवापोरेटिंग डिश है और उसके अंदर हमने थोड़ी दूध ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक ट्राईपॉड और बर्नर पर रख देंगे और इसके बाद हम नीचे से जलाना शुरू करेंगे। अब जब हम इसको बर्न करना शुरू करेंगे, मतलब नीचे से जब हम हीट देंगे, तो तुम्हें पता है क्या होगा, थोड़ी देर बाद दूध 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 जल जाएगा और बचेगा क्या, व्हाट रिमेन्स बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ एवापोरेटिंग डिश ऑन द कंप्लीट एवापोरेशन ऑफ द मिल्क, दिस इज अ क्वेश्चन। जब पूरा का पूरा दूध ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहेगा जिसको हम कहते हैं कार्बन। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा आइडिया नहीं आया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर टू भी कर लेते हैं जिससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि तीन टेस्ट ट्यूब ले लो और तीन टेस्ट ट्यूब में अलग अलग चीजों का सैंपल ले लो। जैसे कि एक में हमने लिया है चीनी सुगर, दूसरे में हम ले रहे हैं बाल हेयर, और तीसरे में हम लोग ले रहे हैं एक सूखा हुआ लीफ। तीनों चीज अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों के नीचे एक बंसन बर्नर लगा देंगे, मतलब बेसिकली बर्नर लगा दिया, उसको जलाना शुरू करेंगे। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब ये बर्न हो जाएगा, होते रहेगा होते रहेगा, हमें ये पूरा का पूरा अंदर से बर्न हो जाएगा और हमें कुछ रिमेन्स मिलेंगे, इसके नीचे कुछ रह जाएगा, और जो चीज रह गया वो है कार्बन। तो इससे हमें पता चलता है कि दूध में भी कार्बन था, शुगर में भी कार्बन है, हेयर में भी कार्बन है और ड्राई लीव्स में भी कार्बन है। तो आई थिंक कि ये जो कार्बन है ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड इसीलिए आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस से कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिस जो है आपका चैप्टर नंबर 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसका हम लोग आज देखेंगे लेक्चर नंबर 1 जो, और इसमें हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो भी पेज नंबर 138 एंड 139 पे है। अब तुम्हें पता है कि अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं फटाफट फटाफट लेक्चर को कवर कर लूंगा, बट बिफोर दैट तुम्हें पता है इस चैनल पे इतने सारे चैप्टर साइंस से, क्लास 9 साइंस से अपलोडेड है। अगर तुम्हें इन सारे चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप t.me/class9shubham। और ये जो मेरा अनस्मार्टफोन जो बज रहा है, अनस्मार्टफोन को जरा बंद कर दिया जाए और अब सीधे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सारे लेक्चर्स आपको सबके प्लेलिस्ट बना दिए गए तो मिल जाएगा, नीचे एक लिंक डाल दूंगा जिसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। सबसे पहली बात कि कार्बन जो है वो एक मेटल नहीं है, कार्बन एक नॉन मेटल है और एक एलिमेंट है, तो बोलेंगे एन इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल एबेंडेंटली, एबेंडेंटली का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा, ठीक है। द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल एबेंडेंटली इन द नेचर एंड ऑकर्स इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब कि कार्बन अकेला भी है, और कंबाइंड स्टेट मतलब कार्बन अकेला नहीं, कार्बन किसी के साथ है। जैसे कभी कभी तुम अकेले घूमते हो, ठीक है, और कभी कभी तुम अपने किसी दोस्त के साथ घूमते हो, तो फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट। देखो अब हम बात करते हैं कार्बन के थोड़े से जन्म कुंडली के बारे में। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और कार्बन एटॉमिक मास है 12। ये सारी चीजें क्या होती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल, ये हम टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए 2.4, 4 और 2 6, और इसका जो वैलेंसी होगा वो होगा 4, क्योंकि लास्ट में कितने हैं, 4 है, तो इसको 4 और शेयर करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा या फिर गेन करना पड़ेगा, बट एनी वे कार्बन शेयर करता है, इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। मूविंग फर्दर, कार्बन के जन्म क्रम क्रम में कार्बन के जन्म कुंडली अगर हो गई है तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कार्बन के बारे में कुछ और बातें करते हैं। कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब तुम कार्बन पढ़ोगे ना तो तुम दो टाइप के कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा तुम्हारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड को बोलते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। भैया कुछ एग्जांपल दो, तो एग्जांपल ले लो लाइक ऑयल, शुगर, घी, कॉटन, एलपीजी, विनेगर एक्सेट्रा, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये सब हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल रहा है। मूविंग फर्दर बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा जाता है कंपाउंड ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स। अब तुम सोचोगे मिनरल्स मतलब क्या होता है, तो जो भी जमीन के अंदर से हमें मिल रहा है उसको मिनरल्स कहा जाता है। सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक समझ गया, इनऑर्गेनिक समझ गया, कार्बन समझ गया, कार्बन का कुछ विजन्म कुंडली समझ गया। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और बातें करते हैं। कार्बन इज कॉमन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कार्बन हम क्यों पढ़ रहे, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है
कुछ चीजों का, जैसे कि फूड स्टफ, तो बोले भैया हमारे फूड पे कार्बन है, बेटा शुगर को जलाया था, याद करो कार्बन था ना उसमें, चीनी को जलाया, शुगर और चीनी क्या होता, दूध को जलाया था बेटा, उसमें भी कार्बन था ना बेटा, उसके बाद बचा लीव्स को जलाया था, तुम पत्ते खाते हो ना, वेजिटेबल्स, यस, फ्यूल्स, फ्यूल्स के अंदर तो कार्बन होता ही है, मेडिसिन, भैया मेडिसिन में भी कार्बन है, अरे हाँ जनाब मेडिसिन में भी कार्बन है, क्लोथ, भैया मैंने कार्बन पेन रखा है, क्लोथ को जला के देखो क्या बचेगा, कार्बन बचेगा ना जी, क्लोथ्स में भी कार्बन होता है, इतना ही नहीं तुम्हारा जो डीएनए एंड आरएनए है, कार्बन इज द मेन एलिमेंट है इन सेलुलर डीएनए, जो तुम्हारा सेल होता है बॉडी के अंदर, और डीएनए आरएनए दैट आर ट्रांसफर हेरिडिटरी सब्स कैरेक्टरिस्टिक, जो आगे हम पढ़ेंगे हेरिडिटी वाला चैप्टर, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसके अंदर भी कार्बन मेन होता है, दुनिया छोड़ो डीएनए और आरएनए में भी कार्बन होता है, समझ में आ रहा है कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है भैया। अभी एक प्यारे से साइंटिस्ट है, गजब का फोटो इनका मैंने छोटा सा डाला बड़ा कर दिया, द जर्मन साइंटिस्ट होले सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड, नहीं समझे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है ठीक है, जिनका नाम है होले, इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल लिया, किसमें से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से, समझ रहे हो क्या, इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक निकाल लिया जिसका नाम था यूरिया, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें से ऑर्गेनिक निकाला था उसका नाम था अमोनियम साइनाइड, ये तुम्हारे बुक में ऐसे डब्बे में दिया है तो मैंने सोचा बता देते। मूविंग फर्दर बच्चों, कार्बन के बारे में थोड़ी सी और चीजें देखो, एवर सिंस जैसे ये हुआ था, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, कार्बन वॉज फाउंड टू बी द मेन एलिमेंट इन ऑल दिस कंपाउंड्स, अभी ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उनके अंदर कार्बन एक मेन सब्सटेंस पाया गया, मेन एलिमेंट पाया गया, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसको कभी कभी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, इस पॉइंट में ये चीज लिखा हुआ है। मूविंग फर्दर अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि भैया होलर ने कैसे किया था, तो अमोनियम साइनाइड का ये फॉर्मूला है NH4+CNO-, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा NH2CONH2 विच इज यूरिया, प्लीज इसको याद रखना है यूरिया का फॉर्मूला। मूविंग फर्दर बच्चों, कुछ क्वेश्चंस है जैसा कि अक्सर मैं तुमसे पूछता हूँ और तुम नीचे कमेंट्स में बताते, नहीं बताते, अरे बताया करो यार, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 8, तो ये पता होना चाहिए, 9, 6, 12, 19 जो भी है एबीसीडी बता देना नीचे। अगला क्वेश्चन देखो, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 9, 6, 4, 19, मैं ये भी नीचे कमेंट्स में बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, डैश इज एन इंपोर्टर इन, डैश इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है इनमें से, घी, कॉमन सोल्ट, एलपीजी एंड विनेगर, अब तक अगर तुमने नोटिस नहीं किया होगा तो प्लीज नोटिस कर लो, मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, और दूसरी बात मेरे पास नई कुर्सी आ चुकी है और मैं महाराष्ट्र से दिल्ली में आ चुका हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब बच्चों तुम में से काफी लोग इस चीज से परेशान रहते होंगे कि भैया मुझे पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता, भैया मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा सेशन लेने वाला हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट रहते हैं, ट्रस्ट मी मैं बहुत प्रिपेयर किया इसके बारे में, मैं अपनी जिंदगी में खुद ही कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था बट मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहने लगा। अब तुम बोलोगे भैया इतने दिनों से लेक्चर नहीं आ रहे थे, अरे जनाब वो देखो कि कितने दिनों तक लगातार आ रहे थे, बीमार भी तो हो जाता है इंसान। अच्छा ठीक है, अब इस क्लास को एक्सेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब भी आप देखते हो तो, और पूरा प्लीज देखना क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से सिखाने वाला हूँ इसमें, आपको SJSuper10 ये कोड यूज करना है इस क्लास को अनलॉक करने के लिए, और ज्वाइन आप फ्री में कर सकते हो। इसके अलावा तुम में से काफी लोग ऐसे हैं जो IIT JEE नीट वगैरह देना चाहते हैं, तो एक सेशन लिया था मैंने अंशुल सिंघाल, आप गूगल कर लेना है नाम, आपको पता चल जाएगा क्या तूफ इंसान है ये, ठीक है, और हम दोनों ने मिल करके, मतलब बेसिकली सर ने बताया था, मैं उनसे सवाल कर रहा था आपके एंड से, ठीक है, तो प्रिपरेशन टिप टू क्रैक IIT JEE, तो ये सेशन भी है, लेकिन मैं बोलूंगा पहले ये वाला सेशन देखना, इससे तुम्हें पता चलेगा कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, और फिर ये वाला सेशन देखना जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि IIT JEE या फिर नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वही बंदा फोड़ पाता है जो कंसिस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे वो सीखना जरूरी है, ठीक है, तो दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ बच्चों आप मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस में लेते रहता हूँ, जब आप क्लास 10 में आओगे क्लास 9 में हो तो भी, तो उन सारे फ्री क्लासेस को तुम ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली आपको कोड यूज करना है SJSuper10, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको फॉलो कर लेना, अपकमिंग क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जब भी तुम आओगे यही कोड तुम्हें हर जगह यूज करना है,
कुछ ऑफर शुरू है कि अगर आप 12 मंथ है उनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा K12 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। K12 इज 6 to 12 स्टैंडर्ड, ठीक है, और स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला है। तो अगर आपको नहीं मिला तो आप लेट हो चुके हो, और अगर आपको मिल जाता तो आप जल्दी। इसके लिए भी आपको वही कोड यूज करना है, SJSuper10। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कोड है, और आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ऑक्युरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। तुम सोच रहे हो भैया ऑक्युरेंस क्या होगा, ये कार्बन कहाँ पाया? तो ऑक्युरेंस में कार्बन के देखो, द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जो नाम कार्बन है ना वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका जिसको कार्बो बोला जाता है, मीनिंग कोल, जिसका मतलब क्या है, कोल। कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट। हमने देखा कि कार्बन फ्री स्टेट में भी होता है, कंपाउंड स्टेट में भी होता है। तो फ्री स्टेट में कैसे होता है और कंपाउंड स्टेट में कैसे होता है देख लेते हैं। कार्बन इन फ्री स्टेट इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड तुम्हें पता होगा, हीरा, और ग्रेफाइट भी तुम्हें पता होगा। कार्बन जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट इसके इस तरीके से फ्री स्टेट में पाया जाता है। और कंबाइंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अब पहला एग्जाम्पल, ये ऊपर कंबाइंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एज कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सच एज, कार्बन डाइऑक्साइड इज द फर्स्ट थिंग जिसमें पाया जाता है, CO2 कंबाइंड है ना, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड है, ठीक है। उसके बाद कुछ कार्बोनेट्स करके भी ये पाया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3, इसमें भी कार्बन है। इसके अलावा तुम्हारा कैलिनिन, इसके अंदर भी तुम्हें कार्बन दिख रहा है, ZnCO3, तो इसके अंदर भी कार्बन है। और अगर एग्जाम्पल ले तो फोसाइल फ्यूल, जो तुम्हारा कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, इनके अंदर भी कार्बन होता है, और ये कंबाइंड स्टेट में होता है, अकेला नहीं होता। साथ ही साथ कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि तुम्हारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो तुम्हारे प्रोटीन्स होते हैं, जो तुम्हारे फैट्स होते हैं, इनके अंदर भी कार्बन है। आई थिंक फैट तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ, फैट्स, ओके, तो तुम्हें फैट भी दिख रहा है, तो फैट्स इसके अंदर भी कार्बन होता है। मूविंग फर्दर बच्चों, चौथा जो एग्जाम्पल है वो है नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, ऊल, इन सब के अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन फ्री स्टेट में क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, और कंबाइंड स्टेट में इन सब तरीके से पाया जाता है। अब हमारे अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, ऐसा साइड में छोटा सा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डब्बा होगा जिसमें लिखा हुआ है, इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन इज प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.27% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर में भी कार्बन है और 0.27% है, प्लीज इस नंबर को वेरीफाई कर लेना, ठीक है, जब भी तुम पढ़ो तो। इन एटमोस्फेयर, हमारे एटमोस्फेयर में द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.03%, मतलब बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा सा भी बढ़ जाना तो हमारा जीना मुश्किल कर दे। ओके, सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन ओशन फ्लोर, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो जमीन के फ्लोर पे, ओशन मतलब समुद्र, समुद्र नहीं महासागर, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, तो ऐसे ओशन के जो फ्लोर होते हैं, मतलब जो सतह होता है उसका, सी बेड जो होता है बेसिकली, मान लो ओशन बेड बोल सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जो कार्बन इन द मरीन वाटर की, जो पानी के अंदर खुला हुआ जो कार्बन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। गजब के पेड़ है ना, कार्बन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, कोल, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दिस बीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, आपको बताना है, ये लीजिए। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। छठा क्वेश्चन, द लैटिन नेम ऑफ कार्बन इज कार, कार्गो, कारी, कार्बो, क्या है, तो बताना है इसका भी आंसर, तो मैं बताना है नीचे कमेंट्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स में बताना है। आई थिंक यहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर तुम यहां तक वीडियो देखते हो तभी तुम्हें ये आजकल देखने को मिलेगा, और अगर तुम यहां तक वीडियो नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, वैसे लेक्चर खत्म हो गया आज का तो तुम छोड़ सकते हो अब लेक्चर को। देखो यार, मैं जब छोटा था, मतलब जब मैं 8 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, इवन 10 स्टैंडर्ड और 11th 12th में भी कुछ हद तक कोई मेरे को गाइड नहीं करता। देर वॉज नो वन टू हेल्प मी, देर वॉज नो वन टू सपोर्ट मी, देर वॉज नो वन टू गिव मी गाइडेंस, एंड इन सब चीजों के कारण आई यूज टू फील वेरी स्ट्रेस्ड, रिलीफ नहीं था। मैंने अपने लाखों रुपए बचा लिए होते अपने माँ बाप के, अगर मुझे कोई गाइड कर देता तो। मुझे एजुकेशन लोन लेके नहीं पढ़ना पड़ता, जिसके मैं आज भी EMI भर रहा हूँ। अब पता नहीं तुम वीडियो कब देखते हो, शायद EMI मेरा 2026 में खत्म होगा, ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो, तो मैं आज भी EMI भर रहा हूँ हर महीने कमा कमा के। मुझे ही नहीं करना पड़ता अगर मुझे कोई गाइडेंस देने वाला होता तो हर स्टेज पे। तो इस चीज से मैं बहुत परेशान रहा हूँ, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी लर्नर परेशान रहे, इसीलिए मैंने कुछ नया प्लान बनाया कि
कि एक साथ ऐसे लर्नर्स को लाया जाए जो जिंदगी में कुछ बचाना चाहते हैं, और मेरे इनसे जितना भी हो सकता है, मेरे नेटवर्क के थ्रू जितना भी हो सकता है, मैं उनको हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस और एंड में उनको रिलीफ मिलेगा, ये करूं। तो बच्चों मैंने एक प्लान बनाया कि पर्सनल मेंटोरशिप का। अब तुम सोचोगे भैया बहुत पैसे चार्ज करोगे, जी बिल्कुल ठीक है, जहां पे आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाए, आई मीन पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा ओवर अ कॉल, ओवर अ जूम कॉल, ओवर अ गूगल मीट, जब भी तुम उससे डिमांड करोगे हम दोनों फ्री होंगे और मिलकर के करेंगे। देयर आर 50+ स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं है 85 स्टूडेंट्स है इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यू कैन सी के डेट कब पब्लिश हुआ है, 85 स्टूडेंट्स है जो इस प्रोग्राम में है, ज्यादा नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू मेक दिस नंबर एज 100, तो आप भी आ सकते हो, बाद में अपने आप डिसेबल हो जाएगा ठीक है। डेडिकेटेड स्टडी प्लान है, तुम लोग कभी परेशान रहते हो यूट्यूब वगैरह पे देखते हो कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, मेरा चैनल पढ़ाने वाला है अगर तुम देख रहे हो तो ठीक है, तुम अगर इतिहास देखोगे इस चैनल का तो चैनल पे स्टार्टिंग से अब तक मैं खुद इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें डेडिकेटेड स्टडी प्लानर मिलेगा। करियर गाइडेंस पाओगे आप मेरे एंड से कि कैसे करियर में आगे बढ़ना है, कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, जो भी आपका सपना है पूरा करने के लिए, 6 लाख 10 लाख की इंजीनियरिंग कैसे यार 2 लाख और 2.5 लाख में खत्म की जा सकती है 4 साल में, ये आपको मैं बताऊंगा ठीक है। वन टू वन डिस्कशन ऑन योर प्रॉब्लम्स, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, भैया मुझे किसी से प्यार हो गया, भैया मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, भैया कुछ भी, मतलब दोस्त गलत समझते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, माँ बाप नहीं समझ रहे, प्रेशर है, प्रेशर मत लेना प्लीज, तुम आओ ना हो इसमें, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है, मैं भुगत रहा हूँ। तो वन टू वन डिस्कशन ऑन योर प्रॉब्लम, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट रिपोर्ट की, तुम समय के साथ अगर तुम मेरी हर बातों को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इंप्रूव करो, I'll show the graph to you. मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाऊंगा तुम्हारे इंप्रूवमेंट का, I have something for you. साथ ही साथ इसके अलावा बहुत कुछ, मैं ये 1 2 3 4 5 चीजें ही प्रॉमिस की है, फिर आगे लिख दिया मच बोल। मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाया था कि शुभम प्रॉमिस लेस हमेशा कम करो, क्योंकि निभाने बहुत मुश्किल होते हैं, एंड ट्राई टू डिलीवर, जितना तुम डिलीवर कर सकते हो उतना डिलीवर करने की कोशिश करो। तो मैं ये करूंगा, अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुम इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करो अभी के लिए। इस मेंटरशिप का प्रोग्राम का जो प्राइस है, डायरेक्टली बताता हूँ, वो 99 रुपीज है, लेकिन जब तुम पे करने जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तो तुम्हें वो प्राइस दिखेगा 199। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली WINER विनर जहां पे डिस्काउंट कोड पूछेगा वहां पे लिख देना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब जीतना चाहते हो ठीक है, लाइफ में जीतोगे तुम, मुझे भरोसा है तुम ठीक है। तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो, और तुम्हें नोट्स भी बना रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो पक्का जीतोगे तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर कीड़ा है कुछ अच्छा करने का, तो विनर ये कोड यूज करना है। तुम बोलोगे भैया 99 रुपीज में कितने दिन, तो यार 99 रुपीज का तो मैं तुमसे बात ही कर लूंगा 1 महीने लगभग ठीक है। तो ये 1 ईयर के लिए है, 1 साल बाद भी मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आऊंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम वापस पे करना चाहते हो करो, ना मैं तुम्हें ग्रुप से निकालूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, नए बच्चे ऐड होते रहेंगे ठीक है, बस मेरी प्रायोरिटी वो नए बच्चों पे थोड़ी ज्यादा होगी, बट तुम भी कॉल करोगे तो मैं फ्री रहूंगा तो पक्का उसको एक्सेप्ट करूंगा, इट्स अ प्रॉमिस ठीक है। अलग से ग्रुप बनाया गया है, जैसे आप पेमेंट करते हो 99 रुपीज का किसी भी मेथड से, पेमेंट गेटवे पर जाकर के थोड़ा रुकना, आप इमिडिएटली एक वीडियो पे रिडायरेक्ट हो गए जिसमें मैं इस चीज के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया है, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, उसके नीचे तुम्हें मेरा नंबर, लिंक, फिंक, दुनियादारी सब मिल जाएगा। सो आई रियली होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं किया है, तो इस तरीके से भी तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करना उस इंसान तक जिसको ये सीखने की जरूरत है बहुत अच्छे से, एंड हिट द लाइक बटन टू मार्क योर अटेंडेंस, ये सब मैं तुम्हें लास्ट में कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम और इन दैट सेशन, हैप्पी लर्निंग, अगला लेक्चर बहुत जल्द आ रहा है।